किला धरावड़ न सिर्फ बहावलपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान के तारीखी मकामात में एक खास अहमियत रखता है। बहावलपुर से मशरक की तरफ सफर करें तो 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद यह शानदार तारीखी और बेमिसाल किला इस इलाके के ताबनाक माजी की याद दिलाता है। इस किले के अंदर एक तारीख दफन है। इस किले ने कई हुक्मरान, कई नस्लें और कई जमाने देखे, लेकिन ये ना सिर्फ अपनी जगह कायम और दायम है बल्कि हमारे अजदाद और गुजरे जमानों की एक अलामत भी है। मुअर्रखीन के मुताबिक इस किले को मौजूदा रियासत बहावलपुर और जैसलमेर रियासत के हुक्मरान रावल देव राज भट्टी ने 9वीं सदी ईस्वी में तमीर करवाया। सन 1731 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने इस किला को फतह कर लिया, जिसके बाद से ये बहावलपुर के अब्बासी नवाब खानदान की शाही रिहायशगाह बन गया। किला दरावड़ के इर्द गिर्द कई आसारे कदीमा के मुकामात हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पुराने हैं, लेकिन आज तक यहां पर खुदाई नहीं हो सकी। किला के पास ही लाल किला, दिल्ली की मोती मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई शाही मस्जिद किला की शान और खूबसूरती में इजाफा करती है। ये किला खस्ताहाली का शिकार है और बहुत से तारीखी मकामात खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। अगर हम इस अजीम तारीखी विरासत को अपने आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द इसकी बहाली और तहफ्फुज़ के लिए हंगामी इकदामात करना होंगे।